हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 11th of February 2021। 11 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें इकॉनमी पार्ट चल रहा है। अभी लगभग 16 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड इन दैट। सीसैट में 55 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड, ठीक है ना। तो दोज हु वांट टू जॉइन दे कैन स्टिल जॉइन, दे विल बी एबल टू व्यू ऑल द वीडियोस वेरी इजिली। यू कैन रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, पहले एडिटोरियल डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद मैं जो भी न्यूज आइटम्स है वो बताऊंगा बाद में, पहले एडिटोरियल्स हम देखेंगे, ठीक है ना। पहला जो एडिटोरियल है वो है डिस इन्फॉर्मेशन इज अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। सबसे पहली चीज को आपको दो चीजें समझनी है यहाँ पे। पहला है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, वॉट इज साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट क्या होता है, एंड दूसरी चीज है डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर एक और कंसेप्ट बताऊंगा इसमें आपको, कॉग्निटिव हैकिंग का कंसेप्ट बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिस इन्फॉर्मेशन इन्फोडेमिक, जिसको बोलते हैं इन्फोडेमिक, एक टर्म और यूज हुआ था पैंडेमिक के बाद, इन्फोडेमिक टर्म यूज हुआ था, तो किस तरीके से आप उससे लड़ सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी आप सबको पता है कि ये फोकस करता है सिस्टम्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में, जो हमारे डिजिटल लाइफ्स हैं उनमें जो डिसरप्शंस आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया। मतलब कि जितने भी आपके डिजिटल सिस्टम हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई दूसरा ऐसा एक्टर जिसके पास वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए वो आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस ना हो, है ना। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो कंसेप्ट बना है, फ्रेमवर्क बना, उसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। डिसइंफॉर्मेशन क्या होता है, इसी तरीके का ऑथर ने बोला है कि एक तरीके का साइबर सिक्योरिटी ही है, क्योंकि ये हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर को, यानी कि कॉग्निटिव बींग को ये अटैक करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है। तो हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर को ये अटैक करता है एंड हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी और डिसइंफॉर्मेशन दोनों के अटैक्स के, मतलब साइबर थ्रेट्स और डिसइंफॉर्मेशन दोनों में रिलेशनशिप बताया कि कितना सिमिलैरिटी है दोनों का। जैसे कि साइबर अटैक अगर आप देखो तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देता है, ख़राब करने की कोशिश करता है, उसी तरीके से डिसइंफॉर्मेशन जो है वो हमारी इनहरेंट कॉग्निटिव बायसेस को, हमारे लॉजिकल फैलेसीज को, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे देखो यहाँ पे ऑथर जो टर्म बताएगा, यूज करेगा, वो है आपका कॉग्निटिव हैकिंग। द टर्म इज कॉग्निटिव हैकिंग। नॉर्मल हैकिंग आपको पता है, कंप्यूटर हैकिंग आपको पता है एक तरीके की साइबर थ्रेट होती है, उसी तरीके से कॉग्निटिव हैकिंग भी एक तरीके का कॉग्निटिव थ्रेट है। किस तरीके से, ऐसे कि डिसइंफॉर्मेशन क्या करती है कि आपकी जो नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस है उसको डिसरप्ट करती है, आपकी नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस को ना केवल वो डिसरप्ट करती है बट आपके परसेप्शन को भी डिसरप्ट कर देती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डिसरप्ट करती है, एंड इस कारण से कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है। दिस इज योर कॉग्निटिव हैकिंग। मतलब कि आपके दिमाग, देखो कॉग्निटिव टर्म का मतलब क्या, अगर आपको कॉग्निटिव टर्म का मतलब नहीं पता तो बता दूं, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि आपकी इंटेलेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़, आपकी इंटेलेक्ट से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी थिंकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कॉग्निटिव के अंतर्गत आती हैं। तो कॉग्निटिव बायसेस को चेंज करता है, कॉग्निटिव रीजनिंग को चेंज करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेंज करता है, इस तरीके से जो कॉग्निटिव हैकिंग होती है, एंड देन आपका जो परसेप्शन होता है वो पूरा बदल जाता है। इट टारगेट्स योर परसेप्शन, इट टारगेट्स योर इंटेलिजेंस, आपकी सोचने समझने की ताकत को ये गैल्वनाइज कर देता है, गैल्वनाइज द सोसाइटीज एंड डिस्टर्ब द हारमोनी यूजिंग डिसइंफॉर्मेशन। तो डिसइंफॉर्मेशन जो है पूरी सोसाइटी में एक तरीके से इम्बैलेंस की कंडीशन, यानी कि इंस्टेबिलिटी की कंडीशन ला देता है बिकॉज ऑफ दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है ना। उसी तरीके से ऑथर ने एग्जांपल देके जो यूएस कैपिटल पे अटैक हुआ राइट विंग ग्रुप्स, जो क्यूआनॉन ग्रुपिंग है, आपको पता होना चाहिए क्यूआनॉन जो है ये ग्रुप है, फार राइट ग्रुप है इन द यूएसए, क्यूआनॉन इसको बोलते हैं, फार राइट ग्रुप इन द यूएसए, और बहुत कम लोग हैं जो यूएसए में इसको सपोर्ट करते हैं वैसे, लेकिन आपका एक ही कॉग्निटिव हैकिंग का ही इम्पैक्ट है कि इस तरीके से कैपिटल, वहाँ पे यूएस कैपिटल में अटैक हुआ। और ये जो है ऑथर ने इसी का एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि ये अटैक यूएसए में हुआ, मतलब कि यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी इस तरीके के कॉग्निटिव हैकिंग के अटैक से खुद को बचा नहीं पाए। दिस इज द थिंग विच ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे इन दिस।
ठीक है ना, QAnon spread false information claiming that the US 2020 presidential elections were fraudulent and conspiracy theorists burned down 5G towers. मतलब यहाँ पर देखो कि QAnon ने किस तरीके से false information spread की और इस तरीके से लोगों में जो वो disinformation का flow था उसने उनके cognitive behavior को change किया, उनके perception की capability को change किया, उनके अंदर जो cognitive resonance था उसको cognitive dissonance में convert कर दिया and इस कारण से फिर further वो जो society में एक imbalance बना, एक इस तरीके का attack जो हुआ यूएस कैपिटल में वो उसका नतीजा था। ऑथर ने कहा जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, अब जो ये DDoS है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये भी एक तरीके का साइबर अटैक होता है, ये साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है। इसमें क्या होता है, हम आईटी नेटवर्क को बहुत ज्यादा फिल कर देते हैं बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जेन्युइन रिक्वेस्ट गई google.com खोलने की, जेन्युइन रिक्वेस्ट गई। अब मान लो कोई व्यक्ति चाहता है कि आप google.com ना खोल पाए, इसलिए वो क्या करेगा, काफ़ी सारी फॉल्स रिक्वेस्ट ट्रिगर करेगा, और जब फॉल्स रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करेगा तो सर्वर पे लोड बढ़ेगा, जब सर्वर पे लोड बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप जब उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ वो ना खुले, क्यों, ये सर्वर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, नेटवर्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दूसरा जेन्युइन व्यक्ति अगर कोई इसको खोलने की कोशिश करेगा वो नहीं खोल पाएगा, तो उसके लिए क्या हुआ, ये डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब कि जो सर्विस उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो दिस इज द डिनायल ऑफ सर्विस कंसेप्ट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसी तरीके से ऑथर ने बोला कि जो डिसइंफॉर्मेशन होती है वो आपकी माइंड को फिल कर देती है बाय ऑल दिस थिंग्स, आपका माइंड भी ओवर फ्लड होने लगता है बिकॉज ऑफ ऑल, जब कोई जेन्युइन चीज भी अगर आपको पता चलेगी तो वो आप डिनाई कर दोगे, वो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ये एक रिलेशनशिप है ऑथर ने किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को और ये जो कॉग्निटिव हैकिंग है और जो डिसइंफॉर्मेशन का इंपैक्ट है इन दोनों को मतलब किस तरीके से उन्होंने वो किया है। तो वही उन्होंने बोला कि फॉल्स इंफॉर्मेशन भी आपके ब्रेन में एक नॉइज क्रिएट करते हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग अ नॉइज, एंड इस कारण से जो आपकी ट्रुथ वाली चीज रहती है वो उसमें डूब जाती है, उसमें समा जाती है, वहां से खो जाती है। डिसइंफॉर्मेशन इज यूज फॉर सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स ऑन अ मास स्केल, तो यही वाली बात है कि सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स बेसिकली करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपका सपोज कर लो कि कोई रिलीजन बायस लाने के लिए या किसी तरीके से अपने जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपना मोटिव सिद्ध करने के लिए कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो मूवमेंट चलते हैं, कई बार वो मूवमेंट फॉल्स प्रेमाइसिस पे बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पे जिन ग्रुप्स का फायदा हो रहा है वो क्या करते हैं कि लोगों के बीच में जाकर के वो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन इन्फोडेमिक स्प्रेड करते हैं, एंड फिर वहां से वो एक तरीके से कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के रूप में सामने आता है, ठीक है ना। न्यू स्टार इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है NISC, उसने ये पता किया, एक रिपोर्ट, 8% of cyber security professionals regard disinformation as threats and of the remaining 49% say that the threat is very significant, ठीक है ना। मतलब कि वही वाली बात है कि देखो 48% साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एंड 91% ऑफ द साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्वे इट कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट में स्ट्रिक्ट मेजर्स के लिए उन्होंने कहा। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डिसइंफॉर्मेशन की वो है आपकी डीप फेक्स या डीप फेक्स भी जो है ना आपके बहुत बड़े एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट में ही आता है, ये भी आप याद रखिएगा, एंड डिसइंफॉर्मेशन में भी आता है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही डीप फेक्स, लेकिन वहाँ पे देखो एक तरीके से किसी की अगर फेक इमेज आप बना रहे हो, डीप फेक्स का एग्जांपल डीप न्यूड्स भी कहलाते हैं, डीप न्यूड्स जिसमें कि आप इस तरीके से मतलब कि सेलिब्रिटीज का न्यूड फोटोग्राफ्स और ये सब आप फ्रेम करते हैं, फोर्जिंग जो होती है, ये भी अपने आप में एक साइबर सिक्योरिटी अटैक भी है और एक डिसइंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नाउ ऑथर सेज कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ प्रोविजंस करें कि इनको रोकने की कुछ मेजर्स लें, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में हमने रिगरस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स बनाए, गाइडलाइंस बनाई, स्टैंडर्ड्स बनाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाए, डिफेंस इन डेप्थ थ्रेट मॉडलिंग एंड इसके अंदर इसके रेड टीम ब्लू टीम क्या है, जिसके अंदर सेल्फ अटैक किया जाता है टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम, ये भी याद रखना, रेड टीम ब्लू टीम सेल्फ अटैक टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम, मतलब अपने आप में खुद को अटैक करना ताकि अपनी कमजोरी पता चले फिर उसको सही करना, ठीक है ना।
तो वही चीज ऑथर ने कहा है कि हमको वी नीड डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटजी फॉर डिसइंफॉर्मेशन एज वेल। तो हमको डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए भी डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रेटजी का फॉलो करना पड़ेगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व है, किस तरीके से आप ऑथेंटिसिटी बना सकते हो, क्या सोल्यूशन है, क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोल्यूशन है, या किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन करो ताकि जो बेसिक आपकी फैक्ट चेकिंग का काम कर सके एंड जो मतलब कि फेक चीज़ें हों उनको रिमूव कर सके। तो मतलब फैक्ट चेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट चेकिंग हो सके और आपका जो बाकी के जो लेबल्स हैं वो रिमूव हो सके, मतलब कि जो फेक लेबल्स हैं वो रिमूव हो सके, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नाउ ऑथर सेज दैट, इसमें ऑथर ने कहा है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन, एजुकेशन विल बी द की। ऑब्वियस सी बात है, डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है एजुकेशन। अगर आपकी मासेस एजुकेटेड रहेंगी तो एक तरीके से आप उस किसी भी चीज़ को फैलाने से पहले, क्या कि कोई भी चीज़ डिसइंफॉर्मेशन है वो लोगों द्वारा ही फैलाई जाती है, अब लोग ही फैला रहे हैं, तो आप अगर एजुकेटेड इनफ हैं कि आप फैक्ट चेकिंग कर सके, दोबारा उसको चेक कर लें, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप बच जाओगे इस चीज़ से, वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑथर ने दो चीज़ें और बोली हैं कि फॉर एग्जांपल थाउजेंड ऑफ एंटिटीज हैव साइन द पेरिस कॉल, एक पेरिस कॉल है फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्केप स्पेस। याद रखिएगा पेरिस कॉल है, और दूसरा आपका क्राइस्टचर्च कॉल है, 52 कंट्रीज साइन क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीम कंटेंट ऑनलाइन। याद रखिए क्राइस्टचर्च कॉल किस लिए है, टू एलिमिनेट एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट रिलेटेड कंटेंट ऑनलाइन, एंड दूसरा है आपका पेरिस कॉल है विच हैज बीन साइंड फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन द साइबर स्पेस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इन द इंफॉर्मेशन स्पेस। ये दोनों चीजें भी आप याद रखेगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है टेकिंग द लॉन्ग व्यू विद चाइना। यहाँ पे ऑथर ने इंडिया, चाइना, यूएसए इन सबको कंपेयर किया है। ऑथर ने कहा कि इंडिया के इंस्टेंस में चेंज आया, जैसे कि ईयर एंड रिव्यूज बार बोलता है, डिफेंस पर्टिनेंटली रिफर्स टू सैंक्टिटी ऑफ अवर क्लेम्स इन द ईस्टर्न लद्दाख। तो पहले वो जो टर्म यूज करते थे वो बॉर्डर यूज करते थे, नाउ दे आर यूजिंग द टर्म ईस्टर्न लद्दाख, है ना, एंड ये जो है थोड़ा ज़्यादा असर्टिव एक टर्म है जो कि यूज़ किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। दूसरा, एक्शन एफएस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो नाउ मोर फोर्थराइट, वी हैव अ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, ठीक है ना, रशिया के साथ हमारी पार्टनरशिप है, यूएसए के साथ हमने काफ़ी अच्छी डील की है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए स्पेशली, ठीक है ना, यूएस लेड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड ग्रुप भी चल रहा है ना, एंड अदर जो दूसरे जो इस तरीके कहना चाहिए, हम चाइना को अब एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं रादर देन स्ट्रेटेजिक राइवल। तो हम चाइना को एक स्ट्रेटेजिक राइवल नहीं देखते हैं, उसको कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी जो चेंज हुए हैं थोड़ा इंस्टेंस। दूसरा चीज़ ऑथर बोलता है, इंडिया डज नॉट नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन ऑथर ने कहा है कि अब जो चीज़ें हैं, चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और चाइना का जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है चाइना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने यूएसए और चाइना को भी कंपेयर किया है। यूएसए चाइना के कंपेरिजन में ऑथर ने बोला कि चाइना की जो रेनमिनबी है, यानी कि जो चाइना की करेंसी है, इसको रेनमिनबी बोलते हैं, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रेनमिनबी, इट इज बिकमिंग अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी और ई युआन। तो ई युआन भी जो उनकी बेसिकली करेंसी, ई युआन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रहती है, और दूसरी रेनमिनबी, ये बेसिकली एक तरीके से डिजिटल पेमेंट करेंसी बनती जा रही है ई युआन, और दूसरा आपका रेनमिनबी जो है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनती जा रही है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमी, चाइना जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग इकोनॉमी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फॉर्च्यून 500 जो ग्लोबल लिस्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज की, बाय रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम कंटेन्स मोर कंपनीज बेस्ड इन चाइना इंक्लूडिंग हांगकांग देन इन यूएसए। तो इन 500 में ज़्यादातर कंट्री कंपनीज जो है वो चाइना और हांगकांग वाले रीजन की हैं रादर देन यूएसए। तो और दूसरा, इसके अलावा BRI इनिशिएटिव जो चाइना का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज़ किया जा रहा है रेनमिनबी को फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी रेनमिनबी को ओवरकम करने में देन डॉलर को ओवरकम करने में रेनमिनबी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑथर ने इसके अलावा बताया है कि EU जो है, EU भी चाइना के पास जा रहा है बार बार मदद मांगने के लिए। इसका मतलब है कि EU जो US के
यूएस ने जो चाइना के अगेंस्ट प्रोपोगंडा फैलाया है उसको ईयू नहीं मानता है, क्योंकि ईयू जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। इंडिया के लिए ऑथर बोलता है इंडिया के पास भी एक डुअल पॉलिसी है। एक तरफ तो हम SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है जो कि चाइना लेड है, वहीं पर दूसरी तरफ हमने क्वाड ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है जो कि एंटी चाइना एक तरीके से अलायंस आप मान सकते हो। तो हमने भी यहाँ पर डुअल रूट अपनाया है, डाइवर्स पॉलिसी कह सकते हो आप, हमने फॉलो की है। जो आपका चाइना है अभी, जो चाइना है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ऑथर का कहना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है, एंड इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे श्रीलंका ने अभी रिसेंटली ईस्ट कंटिनेंट टर्मिनल का हमको प्रोजेक्ट नहीं दिया, हटा दिया हमको वहां से, ठीक है ना। और दूसरी जो कंट्रीज हैं वो भी बहुत दिनों तक चाइना से दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि चाइना का जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने उसकी मेंबरशिप कर ली है, 100 कंट्रीज ने उसकी मेंबरशिप कर ली है। चाइना इज नाउ द सेकंड बिगेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द UN। UN में अगर आप देखो तो चाइना जो है सेकंड बिगेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, एंड हैज पब्लिश्ड मोर हाई इंपैक्ट रिसर्च पेपर देन US डिड इन 23 आउट ऑफ 30 हॉट रिसर्च फील्ड्स। तो चाइना ने ज़्यादा रिसर्च की है देन USA इज डूइंग, और सॉफ्ट पावर में भी वो USA के बराबर लेवल पे जा चुका है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इंडिया फेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया के चाइनीज, चाइना भी एक तरीके से एशियन इकोनॉमी में ही आएगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप ये है, वहाँ पर ऑथर ने बोला है कि इंडिया को कोशिश करनी है कि एक क्वाड ग्रुप के थ्रू मेंबरशिप को आगे बढ़ाए और ऐसा एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे ताकि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो चाइनीज़, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वो उसको ज्वाइन करके एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें टू दीज कंट्रीज़, ठीक है ना। एंड वी हैव टू ब्रिज द गैप, जो कि काफ़ी ब्रिजिंग रोल जो है वो इंडिया को प्ले करना पड़ेगा इन द ग्लोबल गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। इंडिया ने भी अगर देखो तो जैसे वैक्सीन दी है, तो ये इंडिया की कुछ USP है और हमको उस पर अपने आप को भजाना पड़ेगा, और हमको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि हमको और ज़्यादा ग्राउंड गेन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बनना है $5 trillion इकॉनमी, तो हमको शिफ्ट जो हमने किया है उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा, इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी उसको और ज़्यादा तरीके से आपको ग्राउंड में एप्लीकेबल करना पड़ेगा, एंड इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डेवलप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रेस है उसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम काफ़ी आगे हैं, तो हमको उस चीज़ को, उस पावर को यूज़ भी करना पड़ेगा। अगला जो आर्टिकल है वो है डिनाइंग वुमेन द राइट ओवर देयर बॉडीज़। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने क्या बोला है कि अबॉर्शन कैन बी डन अप टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे ही इंडिया में एक चलता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है, जिसमें 24 हफ्तों के लिए बोला जा रहा है कि 24 वीक तक वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। इस बिल में अभी ये चीज़ है। एक्चुअली में अगर आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट देखो तो दैट वॉज ब्रॉट इन 1971 में उसको लाया गया था, और ये लाया क्यों गया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को कम करने के लिए लाया गया था ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। अनसेफ अबॉर्शन के कारण जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है ना। अब ऑथर ने क्या बोला है, बेसिकली ऑथर ने ये बोला कि जो ये चीज़ है, सॉरी लेट मी ओपन दैट अगेन, हाँ ये तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कहीं ना कहीं से विमेन को उसके बॉडी के ऊपर जो राइट है उससे डिनाई करती है, ठीक है ना। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि विमेन को कब अबॉर्शन करना है, कब नहीं करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो अभी जो रूल है, इट इज़ टू रिमूव अलाउ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी टू बी एलिमिनेटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। And it requires a doctor's second doctor's approval if the pregnancy is beyond 12। मतलब 12 वीक्स के बियॉन्ड अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे डॉक्टर का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद 20 हफ्ते तक आपको कर सकते हैं टर्मिनेट, लेकिन अभी जो गया है बिल, अमेंडमेंट बिल, वो 24 हफ्तों तक की बात करता है। यहाँ पर द लॉ इज फ्रेम्ड नॉट टू रिस्पेक्ट द वुमेन्स राइट ओवर हर ओन बॉडी बट मेक्स इट ईजियर फॉर द स्टेट टू स्टेक इट्स कंट्रोल ओवर द बॉडी थ्रू लीगल एंड मेडिकल डिबेट्स। तो वही वाली बात है कि यहां पर विमेन का जो राइट है उसकी बॉडी के ऊपर वो नहीं है, ठीक है ना। विमेन का जो राइट है वो नहीं है उसके ऊपर। तीसरी चीज जो ऑथर यहां पे बोलता है वो ये बोल रहा है कि इफ शी, मतलब अगर मान लो कोई विमेन डिसाइड करती है अगर अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए आफ्टर 24 वीक्स, देन दिस वुड बिकम एन क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। सो शी मूव्स द कोर्ट अंडर द कंडीशन दैट द प्रेगनेंसी वॉज अफेक्टिंग हर मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने बोला है
कि वुमेन के पास चॉइस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऑथर ने एग्जांपल दिए। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप फीटस एबनॉर्मेलिटी जो है, फीटस एबनॉर्मेलिटी, ये तो चलो रीजन दिया हुआ है कि फीटस एबनॉर्मेलिटी अगर है तो आप एंड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। लेकिन कई बार ऑथर ने दिया ऐसे रीजन होते हैं, जैसे कि पर्सनल चॉइस एक रीजन हो सकता है, सडन चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके उसका हस्बैंड के साथ उसका डाइवोर्स हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, या फिर उस हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हुआ हो, तो ऐसे केसेस में भी अगर वुमेन चाहे तो उसको अपनी प्रेगनेंसी को डिनाई कर देना चाहिए, एबॉर्शन करने की परमिशन होनी चाहिए। ये उसकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, बट वही बात है कि एबॉर्शन राइट्स आर सेंटर्ड टू अ वुमेन्स सेंट्रल टू अ वुमेन्स ऑटोनॉमी टू डिटरमाइन हर लाइफ कोर्स। उसको अपने लाइफ कोर्स को डिटरमाइन करने की परमिशन होनी चाहिए। हो सकता है वुमेन कुछ और चीज सोच रही हो, तो उसको पर्सनल चॉइस को भी स्पेस देना चाहिए। दिस हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। अब हम मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में, ठीक है ना, न्यूज एनालिसिस पार्ट में मूव करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं जो क्वेश्चंस आज पूछने थे मुझे। तो पहला जो सवाल है, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टिपिकल फीचर्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया के टिपिकल फीचर्स क्या क्या थे? फर्स्ट इज यूज ऑफ आर्चेस एंड वॉल्स इन कंस्ट्रक्शन। सेकेंड इज द वर्शिप ऑफ ह्यूमन फिगर्स ऑन स्कल्पचर्स। थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ कियोस्क्स एंड टॉल टावर्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से थे, वन एंड थ्री। सेकेंड है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन फतेहपुर सीकरी, इट इज ऑल्सो नोन एज द ड्रीम ऑफ स्टोन्स। ड्रीम ऑफ स्टोन्स किसे कहा जाता है? पंचमहल, मीनाक्षी टेम्पल, हवा महल, जंतर मंतर, अमुक्त मलयदा, गंगा देवी मधुर विजयम एंड अल्ला सानी पिड्डानाज मनु चरितम आर सम ऑफ द इंडिजिनस लिटरेचर्स ऑफ द पीरियड। तो किस पीरियड के लिटरेचर है अमुक्त मलयदा, यानी ये, तो ये आपको बताना। ऑप्शन आर पल्लवाज, विजयनगर एम्पायर, संगम या चोलाज। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दिस। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इन सारे क्वेश्चंस के जो मैंने पूछे हैं। सो लेट मी टेल यू द आंसर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, टिपिकल फीचर्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो इसका आंसर है वन एंड थ्री। ड्रीम ऑफ स्टोन्स पंचमहल को कहा जाता है, अमुक्त मलयदा, गंगा देवी मधुर विजयम, अल्ला सानी पिड्डाना, मनुचरितम, ये विजयनगर एम्पायर के। अगर आपको याद हो तो कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अमुक्त मलयदा तेलुगु में लिखी थी, तेलुगु में अमुक्त मलयदा लिखी हुई है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, ठीक है ना। तो ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। बोथ साइड्स डिसएंगेजिंग फ्रॉम पेंगोंग लेक एरिया सेज चाइना। अब चाइना ने कहा है, इंडिया और चाइना दोनों ही विड्रॉ कर रही है अपनी ट्रूप्स को, है ना, आर्मर्ड एलिमेंट्स आर बीइंग विड्रॉन। ट्रूप्स अभी वहाँ पर हैं, वो लास्ट में जाएंगी वहाँ से। और ये एक चीज़ है जो कि अब एक अच्छा एक मतलब कहना चाहिए कि आफ्टर 9-10 राउंड्स ऑफ टॉक्स ये चीज़ें होना पॉसिबल है। इट विल बी अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, जैसा कि उन्होंने कहा है कि मल्टी स्टेप प्रोसेस रहेगा। एंड अगर आपने देखा हो कि अप्रैल 2020 के बाद से इंडिया जो है वो लेक फिंगर ए लेक वाले एरिया में फिंगर फोर के बाद नहीं जा पाया है। फिंगर फोर के बाद क्यों नहीं जा पाया है? क्यों? क्योंकि अब चाइना जो है वो 8 किलोमीटर अंदर आ गया था। चाइना इधर से 8 किलोमीटर लेक वाले एरिया में आ गया था, आपके फिंगर्स वाले एरिया में आ गया था, फिंगर्स इन द लेक जिसे बोलते हैं। तो फिंगर फोर के आगे नहीं जा पा रहा था इंडिया, लेकिन अब जो है ये पुल बैक करेंगे, ठीक है ना, चाइनीज वहां से पुल बैक करेंगे। एक अच्छा एक इसमें कहना चाहिए कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स स्टेटस क्वो ऑन INS विराट डिसमेंटलिंग। अब देखो INS विराट की जो थी वो डिसमेंटलिंग होने वाली थी अलंग गुजरात शिपयार्ड में, ठीक है ना, अलंग गुजरात में इसकी डिसमेंटलिंग होने वाली थी। अगर आपको INS विराट के बारे में नहीं पता, तो इट्स अ सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विराट जो है वो सर्विस में रहा विद इंडियन नेवी फॉर 29 ईयर्स, है ना, डीकमीशन हुआ 2017 में डीकमीशन हुआ, 29 साल तक ये सर्विस में रहा और सेंटोर क्लास है, याद रखेगा। एंड अभी हुआ क्या था कि इसको डिसमेंटल करने के लिए गया जा रहा था ये अलंग शिपयार्ड आपके गुजरात जो है वहाँ पर। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब स्टेटस को मेंटेन रखो, अभी इसको डिसमेंटल ना करो। क्यों? क्योंकि एक प्ली आई थी एक फर्म द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब डिसमेंटल करने की जगह इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते। तो अब यही चीज़ जो कोर्ट है, ये चीज़ उसने सेंटर से पूछी कि क्या आपका क्या विचार है इसको, जो डिसमेंटल ना करने की जगह इसको अगर हम म्यूजियम में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए लिए जा रहे हैं ऑप्शंस, ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगली जो न्यूज है वो है बायो एशिया 2021। बायो एशिया 2021 क्या है? 18th एडिशन है बायो एशिया इवेंट का, 18वां एडिशन है बायो एशिया इवेंट का।
ठीक है ना, और ये लगभग 22 फरवरी 2021 को होगा। एंड इस बार की जो थीम है वो है मूव द नीडल। द मूव द नीडल इज द थीम ऑफ बायो एशिया, 18th एडिशन इसका होने वाला है। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑन टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री। द लाइफ साइंस इंडस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर डिस्कस किया जाता है। इस बार की जो मेन चीज है वो आपके COVID-19 से रिलेटेड है। COVID-19 के ऊपर काफी डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे, प्रॉस्पेक्ट्स पे, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के लिए है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर इंडिया टू एक्सेलरेट इन दिस फील्ड, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी। अगली जो न्यूज थी वो थी यूएस टू रिजॉइन UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ज्वाइन करने वाला है यूएस दोबारा से। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे 2018 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को छोड़ दिया था यूएस ने। तो थोड़ा सा मैं आपको ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बता दूं। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, UN सिस्टम का पार्ट है। एंड ये बना था 2006 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 60/251। तो 60/251 रेजोल्यूशन से ये 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA द्वारा इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, ठीक है ना। 2006 में पहला सेशन इसका हुआ। एंड जो इसकी थीम रहती है वो ह्यूमन राइट्स इशू से रिलेटेड रहती है। लगभग 47 UN मेंबर स्टेट है जो कि इसके पार्ट हैं, एंड दे आर इलेक्टेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है बाय डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला जो न्यूज था वो था शहतूत डैम से रिलेटेड। शहतूत डैम क्या है, इंडिया और अफगानिस्तान ने एक लिंक, एक पैक्ट इंक किया है टू बिल्ड डैम कॉल्ड शहतूत डैम। तो इंडिया जो रहेगा वो शहतूत डैम बनाएगा फॉर अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू सप्लाई वाटर टू द काबुल सिटी। काबुल सिटी पे पानी पहुंचाने के लिए शहतूत डैम का निर्माण इंडिया करेगा इन द अफगानिस्तान। And this construction of the dam will provide drinking, irrigation, and environmental water in the Kabul province of Afghanistan. And this dam will be constructed by India. India इसको construct करेगा. And the design of the dam will be completed by Iranian firm. जो designing है वो Iranian firm कर रही है. ठीक है ना, इसको याद रखेगा. एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, डेनमार्क टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। तो डेनमार्क जो है वो वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड कंस्ट्रक्ट करने वाला है। एंड इट इज द फर्स्ट एनर्जी फील्ड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये एनर्जी आइलैंड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाला है वो, ये एनर्जी आइलैंड वो कंस्ट्रक्ट करने वाला है आपके नॉर्थ सी में, ठीक है ना। तो दे विल कंस्ट्रक्ट द एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी। थोड़ा सा मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्थ सी का जो मैप है आप देख सकते हैं, इट इज द मैप ऑफ नॉर्थ सी। एंड नॉर्थ सी का जो ये आपको मैप दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे डेनमार्क दिख रहा होगा नीचे, यू मस्ट बी सीइंग दिस डेनमार्क हियर, लेट मी शो यू। ये डेनमार्क आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ सी वाला रीजन है। डेनमार्क जो है वो बनाने वाला है वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड यहाँ पर। और कंट्रीज देख लो यहाँ पे, यहाँ पे कोटरगॉट बे है, कोटरगॉट बे है, बाल्टिक सी है, कियल कनाल है यहाँ पे, फ्रिजियन आइलैंड भी यहाँ पे है ना, शेटलैंड आइलैंड है, ऑर्कने आइलैंड है, शेटलैंड आइलैंड, ऑर्कने आइलैंड, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे आपको नॉर्थ सी, स्ट्रेट ऑफ डोवर और इंग्लिश चैनल, तो मतलब इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ डोवर, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा ना। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, कभी भी UPSC पूछ सकता है कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कौन ज्वाइन करता है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर याद रखेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक स्कीम के बारे में बता दूं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम, इसको SMAM बोलते हैं, SMAM। तो SMAM इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014-15 में। कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम, 2014-15 में लॉन्च हुई थी। एंड बेसिकली गवर्नमेंट का एम है टू रीच द अनरीच्ड, रीचिंग द अनरीच्ड मतलब कि जिन लोगों के पास फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड मशीन्स नहीं हैं, उनको सस्ते दामों में, अफोर्डेबल दामों में एक्सेसिबल किया जाए उन मशीन्स को जिनका यूज़ किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर। तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है, यानी कि SMAM स्कीम जो है 2014-15 में जो आई थी, उसका एम क्या है, रीचिंग द अनरीच्ड। और इसमें वो क्या करते हैं, बेसिकली जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास, बेसिकली कहना चाहिए कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास मशीन्स को एक्सेसिबल करना बाय एस्टैब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने का बोला गया। फार्म मशीनरी बैंक्स बनाने की बात बोली गई थी इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू वो सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और मशीन्स प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडाइज रेट पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का जो है उसको प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट किया। याद रखिएगा, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट
एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो थीम है वो है रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल. रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है. इसको इनॉग्रेट किया गया 10 फरवरी को. अब एक लॉ के बारे में आया था पेपर में, एडिटोरियल आया था ऐसे, डिवर्जर्स लॉ. वॉट इज दिस डिवर्जर्स लॉ? तो डिवर्जर्स लॉ बोलता है अगर कहीं पे ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां पे सिंपल मेजोरिटी हो रही है, मतलब कि जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है कि जिसको मेजोरिटी मिली वो जीत गया, एक वोट से भी अधिक है वो तो जीत गया. तो कहना चाहिए जहां पर भी सिंपल मेजोरिटी इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं वहां पर डिवर्जर का बोलना ये था कि वो जो एरियाज होते हैं वो ज्यादातर टू पार्टी सिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि दो बड़ी पार्टी रह जाती हैं, दो अपोजिंग पार्टीज रह जाती हैं. अगर अपोजिंग पार्टीज नहीं तो दो अपोजिंग कोलिएशंस रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश को देख लें, वहां पे महागठबंधन करने की बात की गई, बिहार में देखें महागठबंधन की बात हुई, है ना. तो दो बड़े बड़े अपोजिशन ग्रुप बन गए तो कुल मिलाकर के ऑथर नहीं गए. जबकि बिहार जो था पहले वो एक्सेप्शन में आता था डिवर्जर्स लॉ के, मतलब इंडिया जो है वो हमेशा से डिवर्जर लॉ का थोड़ा एक्सेप्शन रहा है. लेकिन इंडिया में भी अब वो चीजें अब देखने को मिलेगी आपको कि जहां पर पार्टी सिस्टम इस तरीके का है, जहां पे इलेक्टोरल सिस्टम इस तरीके का है कि सिंपल मेजोरिटी से विनर बन रहा है, वो अमूमन फिर आपका टू पार्टी सिस्टम बनके रह जाता है. दिस इज व्हाट द डिवर्जर हैज सेड इन द डिवर्जर्स लॉ. अगली जो न्यूज है वो है फर्नेस ऑयल फ्रॉम टाइटेनियम फैक्ट्री स्पिल्स इनटू द सी. तो ये मैंने आपको दिखा देता हूं इसकी फोटोग्राफ भी. हिंदू में ये न्यूज कहां पर है, है ना, हिंदू में ये न्यूज यहां पर है. ये फर्नेस ऑयल फ्रॉम टाइटेनियम फैक्ट्री स्पिल्स इनटू द सी, ये तिरुवनंतपुरम में आपका हुआ है, केरला में एक काम हुआ है. ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स करके कंपनी है, वहां से फर्नेस ऑयल लीक कर गया है जो कि डिपॉजिट हो गया है बीच वाले रीजन में. अब ये फर्नेस ऑयल को हम फ्यूल ऑयल भी कहते हैं, ये भी याद रखेगा. फर्नेस ऑयल इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूल ऑयल. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ रेसिड्यूज फ्रॉम क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन. क्रूड ऑयल के जब डिस्टिलेशन करते हैं उसका जो रेसिड्यू बनता है वो आपका फ्यूल ऑयल या फर्नेस ऑयल बनाता है, और इसकी बेसिकली पेट्रोलियम के साथ ब्लेंडिंग की जाती है ताकि एक विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट पाया जाए. फ्लैश पॉइंट और विस्कोसिटी दोनों प्रॉपर्टीज हैं पेट्रोलियम की, तो एक प्रॉपर फ्लैश पॉइंट या विस्कोसिटी को पाने के लिए बेसिकली आपका ये मिक्सिंग या ब्लेंडिंग की जाती है, ये भी याद रखेगा. इंडिया टू बेटर इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स. इंडिया जो है अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के एफर्ट्स को और अच्छा करने के लिए है तैयार है. ये चीज़ यहाँ पर देखो लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको. ये इंडिया टू बेटर इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को ऑर्गेनाइज करते हुए. अब ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये भी आपको बता दूं, एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. याद रखिएगा न्यू दिल्ली में द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको तेरी बोलते हैं, तेरी, ठीक है ना, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इस बार का जो है. अब इसी न्यूज में एक कोलिएशन के बारे में आया था जिसको हम बोलते हैं कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बता दूं आपको एक इंटरनेशनल कोलिएशन है कंट्रीज का, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का. एम क्या है, टू प्रमोट डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि डिजास्टर रेजिलियंट हो. अब ये चीज की शुरुआत किसने की थी, ये चीज की शुरुआत इंडिया ने की थी. बहुत बड़ी बात है इसको कि इंडिया ने इसको प्रपोज किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था 2019 के यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में. यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का था, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, उसमें ये आपका क्लाइमेट कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया था, ठीक है ना. ये बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्टीज और मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज के लिए ताकि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें जो कि आपका डिजास्टर रेजिलिएंट रहे. एक और न्यूज़ यहाँ पर है जो कि लिखी नहीं, यूएपीए के 2016 से 2019 के जो केसेस थे उनमें से केवल 2.2% यानी कि 2.2% केसेस ही थे जो कि फाइनल जिनमें कन्विक्शन हुआ, अदरवाइज 97.8% केसेस ऐसे थे जिसमें कन्विक्शन नहीं हुआ है. और जब मोस्ट जो केसेस थे यूएपीए के वो किसके अंतर्गत थे, सिडिशन 124A, आईपीसी का जो सेक्शन 124A है सिडिशन, उसके मोस्ट नंबर ऑफ केसेस थे, ये भी आपको मैंने बता दिया. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम. फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा. दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू.